देश में अब 3.0 शुरू होने वाला है। लॉकडाउन के दूसरे चरण की अवधि समाप्त होने पर उज्जैन में कोरोना वायरस के मरीज ठीक होकर अपने घर वापस पहुंच रहे हैं। उज्जैन में अब तक कोरोना से 30 लोगों की जान चली गई। पूर्व से जारी इस युद्ध में जिले को एक बड़ी जीत मिली है। कोरोना वायरस को लोगों ने हराकर उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज और उज्जैन के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से अपने घर की ओर वापसी की है। जल्द ही कुछ और अन्य लोगों में भी पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज होने की उम्मीद जताई जा रही है। डिस्चार्ज हुए मरीजों के सम्मान में उज्जैन के जिला कलेक्टर और डॉक्टरों ने तालियां बजाकर और पुष्प उड़ाकर स्वागत किया। वहीं क्षेत्र में पहुंचने पर सभी योद्धाओं का स्वागत रहवासियों ने किया। कोरोना से संक्रमित होने के बाद उपचाररत 12 लोगों की दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इसमें से 9 लोग मक्सी रोड स्थित पीटीएस में भर्ती थे, वहीं 3 आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में थे। पूर्व में भी 5 कोरोना से संक्रमित लोगों ने घर वापसी की है। आप बताइए सर, आज क्वारंटाइन किए गए थे वो कितने मरीज थे जो सही होके यहाँ से जा रहा है? हमारे यहाँ कोविड केयर सेंटर में आज यहाँ 9 मरीज भर्ती थे और इसी प्रकार 3 मरीज जो आरडी गार्डी में भर्ती थे। आज ये सभी लोगों ने अपना 14 दिन का पीरियड संपन्न किया। इनके इसके बाद 14 दिन के पीरियड के बाद इनके हम लोगों ने रिपीट सैंपल कराए। 2 रिपीट सैंपल में लगातार नेगेटिव आने के बाद आज CCC से हम 9 पेशेंट को रिलीव कर रहे हैं और आरडी गार्डी से 3 पेशेंट को रिलीव कर रहे हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया अगर आप समय पे बताएंगे अपने कोरोना के लक्षण के बारे में तो हम समय पे आपका इलाज करके आपको भी बहुत अच्छे से इलाज करने के बाद आपको बेहतर रूप में घर वापस भेज सकते हैं। अगर आप लेट करेंगे तो फिर वो समस्या के रूप में आगे बढ़ेगी और फिर बहुत गंभीर स्थिति में बचाने की संभावना थोड़ी कम रहती है। इसलिए मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि कृपया समय पर बताएं। इसी प्रकार हम लोग की कोशिश है कि लगातार हम लोग ऐसे ही संख्या में लगातार पेशेंट्स को यहाँ से अपने सेंटरों से रिलीव करते रहें उनको स्वस्थ होने के बाद। और उन्हें मैं पेशेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इस सफ़र को सफलता से पूरा किया।